सियासत के गलियारों में इन दिनों सीकर का नाम बड़े जोर शोर से उछल रहा है। वजह यहां से राजस्थान की राजनीति में बड़े बदलाव की बात कही जा रही है। उससे भी खास बात यह है कि इस बदलाव का दावा बीजेपी या कांग्रेस नहीं बल्कि हरियाणा की पार्टी जेजेपी कर रही है, जो अब राजस्थान के चुनाव में उतरने जा रही है। ऐसे में सीकर की जमीनी हकीकत और इतिहास जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के शेखावटी इलाके में अपनी कला, संस्कृति और पधारो मारो देश की परंपरा को समेटे हुए सीकर जिला शान से खड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजस्थान को 19 जिलों और 3 संभागों की सौगात के बाद सीकर को अब संभाग बना दिया गया है। रियासतों के समय में सीकर ठिकाना जयपुर रियासत का ही एक हिस्सा था। सीकर की स्थापना सन 1687 के आसपास राव दौलत सिंह ने की थी, जहां आज सीकर शहर का गढ़ बना हुआ है। वे उस जमाने में वीरभान का बास नामक गांव होता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर को संभाग बनाया तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का उनके क्षेत्र में मान बढ़ गया। वो भी क्यों ना, आखिर सीकर को संभाग बनाने की मांग को लंबे अरसे से उठा रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा। अरे सीकर ने संभाग चाहे के, सीकर ने संभाग चाहे के। डोटासरा शेखावटी क्षेत्र से ही आते हैं। वो सीकर की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से विधायक हैं। वो एक कद्दावर जाट नेता भी माने जाते हैं। शेखावटी में जाटों का दबदबा शुरुआत से ही रहा है, इसीलिए तो बीजेपी ने भी जाटों को साधने के लिए सतीश पुनिया को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी थी। ये एक ऐसा वक्त था जब दोनों धुर विरोधी और बड़े राजनीतिक दलों के दोनों प्रदेश अध्यक्ष एक ही क्षेत्र और एक ही वर्ग से आते थे। सतीश पुनिया भले ही आमेर से विधायक हैं, लेकिन उनकी पैदाइश चुरू की है। पार्टीवार बात करें तो सीकर में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है और बीजेपी सबसे ज्यादा खराब स्थिति। साफ है कि सीकर की 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और एक पर निर्दलीय विधायक हैं, जिसका कांग्रेस को समर्थन है। यहां बीजेपी के खाते में कुछ नहीं आया है, इसलिए बीजेपी के लिए ये जिला चुनाव को लेकर बेहद अहम है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीकर की सभी 8 सीटें हार गई थी। पार्टी के लिए सीकर के किले को जीतना कितना अहम है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीती 27 जुलाई को बीजेपी के शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीकर के दौरे पर आए थे। उन्होंने यहां पर किसानों को बड़ी सौगातें दी थी। पीएम के द्वारा किसान निधि के तहत किसानों के खाते में राशि पहुंचाई गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित भी किया था। सीकर में बीजेपी का क्या हाल है, ये समझकर ही उन्होंने जनता से सीकर की हर सीट पर कमल खिलाने की अपील भी कर दी थी। राजस्थान के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। राजस्थान के विकास के लिए जैसे पूरा राजस्थान आज मुझे साथ दे रहा है, मेरा शेखावटी भी पीछे नहीं रहेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। साथियों, हाथ ऊपर करके मुझे जवाब दीजिए, शेखावटी की हर सीट, हर विधानसभा सीट, हर बूथ पर कमल खिला करके रहेंगे। ये संकल्प है, ये वादा है। साथियों, ये ऊर्जा पूरे राजस्थान के हर बूथ में कमल खिलाएगी। इसी विश्वास के साथ घर घर मंत्र लेके चले जाइए, भ्रष्टाचारी क्विट इंडिया, परिवारवादी क्विट इंडिया। दरअसल शेखावटी इलाके का चुनावी इतिहास बेहद दमदार रहा है। ये पूरा इलाका कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, इसीलिए बीजेपी इस इलाके में पार्टी की कमजोर प्रदर्शन को धार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का सहारा ले रही है। दूसरी तरफ हरियाणा की जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी ने भी राजस्थान के चुनावी महासमर में गोता लगाने की तैयारी कर ली है। बीते एक साल से दिग्विजय चौटाला राजस्थान में खासे एक्टिव हैं। राजस्थान के हर मुद्दे पर पार्टी की प्रतिक्रिया आती रही है, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात ही क्यों ना हो। ये पार्टी आने वाले दिनों में सीकर में एक बड़ी रैली करने जा रही है। इस रैली के जरिए पार्टी के महासचिव दिग्विजय चौटाला राजस्थान में एक बड़े सियासी बदलाव लाकर
जेजेपी की बयार चलाने का दावा कर रहे हैं। बीते बुधवार वो इस रैली का निमंत्रण देने के लिए सीकर में पहुंचे थे, जहां उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनकी ये रैली राजस्थान की सियासत में मील का पत्थर साबित होगी। गरीबों के मसीहा जननायक चौधरी देवीलाल जी की कर्मस्थली, एक होती है जन्मस्थली, एक होती है कर्मस्थली। कर्मस्थली सीकर की इस पावन धरा पर 110वां उनका जन्म स्थापना दिवस मनाने हम जा रहे हैं। जनता दल 54 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी 51 सीटें जीती थी, जब भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद एक दफे 8 सीटें जीती इंडियन नेशनल लोकदल के समय पर, 6 सीटें जीती, गठबंधन में हुआ, फिर 2008 में भी गठबंधन में लड़े थे। बीच में दौर ऐसा आया कि चौटाला साहब को, अजय सिंह जी को जेल में जाना पड़ा। कांग्रेस का एक गहरा षड्यंत्र था और वो 10 साल संघर्ष के रहे, किसी से छुपे नहीं। अब जब भी हमें अवसर मिला है, हम राजस्थान की सेवा के लिए पुनः लोगों के बीच में हैं और इस, मैंने जैसा कहा कि एक नई व्यवस्था कायम कर, पिछले लंबे अरसे से पार्टी अपनी गतिविधियों को बढ़ा रही है। चुनाव भी आते हैं राजनीति में और चले जाते हैं, मगर हमारा जुड़ाव यहाँ के लोगों से सामाजिक से ज्यादा पारिवारिक है। दिग्विजय चौटाला जो दावे कर रहे हैं, उनकी पड़ताल करने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। सीकर विधानसभा सीट पर आजादी के बाद से चुनाव की बात करें तो 1951 से लेकर 15 बार अब तक चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 9 बार कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है, सिर्फ 4 बार बीजेपी को मौका मिला और एक एक बार जनसंघ और स्वराज पार्टी की जीत हुई। आंकड़ों से साफ है कि सीकर में कांग्रेस की जड़ें कितनी मजबूत हैं। सिर्फ 1998 के बाद, जब से प्रदेश में एक एक बार बीजेपी कांग्रेस सरकार का रिवाज चला है, तब से ही रिवाज सीकर सीट पर भी चल पड़ा है। इस बार इस रिवाज को तोड़ने की बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के दम पर भरपूर कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस के लिए यहां परेशानी की बात है। वो ये है कि सीकर से मौजूदा विधायक राजेंद्र पारिक की जगह नए चेहरे की मांग उठने लगी है। 2 दिन पहले ही सीकर कांग्रेस प्रत्याशी का चेहरा बदलने की मांग को लेकर शहर के सैकड़ों मुस्लिम युवकों ने विरोध जताया था। यही नहीं, लगभग 3 महीने पहले पीसीसी चीफ और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा के साथ राजेंद्र पारिक की गर्मागर्म बहस ने कांग्रेस की सियासत को भी काफी गर्मा दिया था, जिससे डोटासरा से राजेंद्र पारिक का मनमुटाव भी सामने आ गया था। दरअसल दोनों नेता सीकर के कलेक्ट्रेट सभागार में शकुंतला रावत की अध्यक्षता में बजट घोषणा को लेकर हुई बैठक में मौजूद थे और नवलगढ़ रोड को लेकर राजेंद्र पारिक और डोटासरा की तूतू मैं हो गई थी। ऐसे में खबरें तो ये भी हैं कि इस बार मुश्किल ही कांग्रेस इस बार राजेंद्र पारिक को टिकट देगी। जाहिर है आने वाले समय में इस सीट पर सियासत भी जमकर होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सचपेधड़ा। सीकर सीट के दिलचस्प समीकरण सत्ता में क्या बदलाव लाने वाले हैं, उस पर पूरे प्रदेश की नजरें हैं। सीकर के इस बार लक्ष्मणगढ़ इस जिले के सबसे हॉट सीट मानी जाती है। आपको बता दें, इसके अलावा नीम का थाना खंडेला सीट भी काफी कुछ यहां की हकीकत बयां करती है। राजस्थान में कांग्रेस इस समय बेहद मजबूत स्थिति में है और इसका क्रेडिट कई बार मुख्यमंत्री खुद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी देते हैं। बीजेपी ने जब सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तब कांग्रेस ने बीजेपी को जवाब देने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा पर दाव चल दिया था और प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जाट के सामने जाट रख कर इस सियासत को और गर्मा दिया था। शेखावटी की सबसे हॉट सीट यानी कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा विधायक है। वो इस सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था, तब से वे प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। सीकर को संभाग बनाने में डोटासरा का भी बहुत बड़ा योगदान है। खबर तो ये भी है कि हाल ही में पार्टी बदल कर बीजेपी में शामिल हुए सुभाष मेहरिया डोटासरा के सामने चुनावी ताल ठोक सकते हैं। लक्ष्मणगढ़ सीट का इतिहास भी बेहद दिलचस्प रहा है। ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ 15 में से 10 दफा कांग्रेस ने जीत हासिल की है।
लक्ष्मणगढ़ सीट कांग्रेस के लिए कितनी अहम और भाग्यशाली है वो आप इन आंकड़ों से देख सकते हैं। 2008 से 2018 तक लगातार कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा विधायक रह चुके हैं। 10 बार कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा जमाया है। बीजेपी को सिर्फ एक बार विधायकी का मौका मिला। कांग्रेस के लिए गोविंद सिंह डोटासरा बेहद खास रहे हैं। उन्होंने लगातार 3 बार इस सीट से जीत दर्ज कर इस सीट को कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ बना दिया है। डोटासरा के अलावा एक और नाम कांग्रेस के लिए बेहद अहम है और वो है परसराम मोरदिया का। वही परसराम मोरदिया जो धोद विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। मोरदिया कांग्रेस के ऐसे दिग्गज नेता रहे हैं जिन्होंने आपातकाल के बाद हुए चुनाव में भी कांग्रेस को तब लक्ष्मणगढ़ सीट जीत कर दी जब हर जगह से पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा था। इस सीट पर परसराम मोरदिया ने पहले लगातार 1977 और 1980 का चुनाव जीता, फिर 1990 से लगातार 1998 का चुनाव जीतकर वो कांग्रेस की आंखों का तारा बन गए। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने परसराम को धोद सीट से उतारा। उन्होंने वहां भी शानदार जीत दर्ज की। खास बात तो ये है कि 73 साल के परसराम मोरदिया ने 2023 के चुनाव में फिर से लड़ने की बात कही। बहरहाल धोद सीट की बात करें तो यहाँ सीकर जिले का धोद विधानसभा क्षेत्र कम्युनिस्ट का गढ़ माना जाता है। ये सीट 1977 में अस्तित्व में आई थी। यहाँ अब तक हुए 10 विधानसभा चुनाव में 4 कम्युनिस्ट ने जीत हासिल की है, जबकि पिछले 3 सालों में सिर्फ एक बार बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि 4 बार कांग्रेस ने और एक बार कांग्रेस एक ने जीत हासिल करी। इस सीट पे सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड रामदेव सिंह के नाम पर। रामदेव सिंह ने यहाँ से कुल 4 बार जीत हासिल की है। इसके बाद कॉमरेड अमरा राम यहाँ से लगातार 3 बार जीतने में कामयाब हुए। उन्होंने 1993, 1998 और 2008 में ये जीत हासिल की। इसके बाद ये सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हो गई। इस सीट पर सबसे ज्यादा विधायक हैं। धोद विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी जाट समुदाय की है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो एससी एसटी और मुस्लिम मतदाताओं की है, लेकिन सीट भले ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो लेकिन यहाँ जीत और हार का फैसला जाट वोट बैंक ही करता है। धोद के बाद अब बात करते हैं खंडेला सीट की। शेखावटी के सीकर की खंडेला विधानसभा सीट एक बेहद अहम सीट है। यहाँ से मौजूदा वक्त में निर्दलीय विधायक महादेव सिंह खंडेला विधायक हैं। शेखावटी क्षेत्र बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है, लिहाजा ऐसे में शेखावटी को साधने के लिए भाजपा मेगा प्लान जरूर तैयार कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने भी दौरा किया था। तो वही सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में इस बार महादेव सिंह खंडेला के प्रधान बेटे गिरिराज सिंह को टिकट देगी, क्योंकि महादेव सिंह ने उम्र अधिक होने के चलते चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस सीट का चुनावी इतिहास देखें तो खंडेला की इस सीट पर निर्दलियों का कब्जा रहा है। सिर्फ 3 बार ही कांग्रेस ने और 2 बार ही बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज करी है, बाकी एक एक बार जनता दल और भारतीय जनसंघ के पास ये सीट गई। खंडेला की इस सीट को निर्दलियों की ओर से खासकर महादेव सिंह खंडेला सिंह की सीट कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। महादेव सिंह खंडेला ने सिर्फ एक बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, बाकी हर बार निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक बने। आपको बता दें कि महादेव खंडेला 6 बार के विधायक रह चुके हैं, पर इस बार बढ़ती उम्र के चलते चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया गया। ऐसे में अब कांग्रेस महादेव के बेटे गिरिराज सिंह को टिकट देने का मन बना रही है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह अभी पंचायत समिति प्रधान है। विधायक ने कार्यकर्ताओं से गिरिराज सिंह को जिताने की अपील भी की है। गिरिराज सिंह 35 साल के हैं और MBBS कर चुके हैं। दिसंबर 2020 में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीतकर खंडेला पंचायत समिति प्रधान बने। ब्यूरो रिपोर्ट, सच विभाग। शेखावाटी की सियासत के गढ़ सीकर के अभी तक खंडेला, लक्ष्मणगढ़ और धोद की बात की। अब बात करेंगे नीम का थाना फतेहपुर श्रीमाधोपुर की, कि क्या रही है इन विधानसभा सीटों का इतिहास और क्या 2023 में क्या बन रहे हैं यहाँ के समीकरण। राजस्थान में सबसे ज्यादा पारा का उतार चढ़ाव शेखावटी के फतेहपुर में होता है और यहाँ का सियासी पारा भी इन दिनों चढ़ा हुआ है। इस सीट से कांग्रेस के हाकम अली खान विधायक हैं, तो वहीं लंबे वक्त से भाजपा इस सीट को पाने की जुगत में जुटी हुई है। फतेहपुर विधानसभा सीट पर जाट और मुस्लिम मतदाताओं की आबादी सबसे ज्यादा है, जबकि मूल OBC और बनिया ब्राह्मण भी सियासी अस्तित्व रखते हैं। इस सीट पर लंबे वक्त तक मुस्लिम प्रतिनिधियों का दबदबा रहा है। हालांकि
इस सीट पर जाट भी जीतते आए हैं। इस सीट के इतिहास की बात करें तो आंकड़ों में पता चलता है कि मुस्लिम प्रतिनिधियों का यहां खासा दबदबा है। भाजपा यहां से सिर्फ एक बार ही जीतने में कामयाब हो पाई है। इसके अलावा महज 5 बार कांग्रेस जीती है। फतेहपुर सीट के जातिगत समीकरण की बात की जाए तो यहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। इस सीट पर सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड भवरू खान के नाम है। उनके भाई हाकम अली ही अभी मौजूदा विधायक हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर हाकम अली खान को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो वहीं भाजपा में दावेदारों संघ बैकग्राउंड से आने वाले मधुसूदन भिंडा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से दावेदारी जता रहे हैं। भिंडा फतेहपुर नगर पालिका से 2 बार पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। वो पूर्व विधायक बनवारी लाल भिंड के बेटे हैं। बात अगर नए जिले नीम का थाना की करते हैं तो राजस्थान में चुनाव के महज 2 महीने ही बाकी हैं। ऐसे में इन चुनावों में नए जिलों का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। वहीं बीजेपी की तरफ से प्रेम सिंह बाजोर एक बार फिर चुनावी तार ठोकते नजर आ सकते हैं। इस सीट का चुनावी इतिहास देखें तो 1951 में यहां से 3 विधानसभा सीटें थी। दूसरे विधानसभा चुनाव में यहां 2 सीटें रही। 1957 में खंडेला विधानसभा सीट नीम का थाना में मिला दी गई। 1962 से लेकर अब तक नीम का थाना एक ही सीट रही है। यहां से 2 बार ज्ञानचंद, 3 बार मोहनलाल मोदी ने जीत दर्ज की, 2-2 बार फूलचंद और प्रेम सिंह ने जीत की। क्षेत्र में एससी एसटी ओबीसी ओबीसी मूल राजपूत यादव जाट और गुर्जरों की बहुसंख्यक आबादी है। यहाँ पर बनिया समाज की आबादी तो कम है लेकिन सियासी वर्चस्व ज्यादा है। नीम का थाना के बाद बात करते हैं दातारामगढ़ की। शेखावटी क्षेत्र में कांग्रेस का सबसे मजबूत किला यानी कि दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस साल बेहद ही दिलचस्प और रोमांचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि इस चुनाव में पति पत्नी एक दूसरे को चुनावी मैदान में चुनौती देते नजर आ सकते हैं। तो वहीं सीकर की दातारामगढ़ विधानसभा सीट पर हुए 15 विधानसभा चुनावों में से 9 बार कांग्रेस का ही कब्जा रहा, जिसमें से 7 बार कांग्रेस के नारायण सिंह चौधरी ने जीत हासिल की। अब उनके विधायक बेटे वीरेंद्र सिंह यहां से विधायक हैं। इस सीट से पहले विधायक भैरव सिंह शेखावत बने, जो बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री और देश के उपराष्ट्रपति भी बने। 2023 का ये चुनाव इसलिए दिलचस्प है होने वाला है क्योंकि उनके सामने उनकी ही पत्नी रीटा सिंह चुनावी ताल ठोक सकती हैं। रीटा सिंह ने हाल ही में जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी का दामन थामा है और उन्हें महिला मोर्चा की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि संयुक्त तौर पर रीटा सिंह को उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि फिलहाल तो बीजेपी में ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा जिसे वो यहां से प्रत्याशी बना सके। पीतल और तांबे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबे अरसे से 2 परंपरागत प्रतिद्वंदियों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां दीपेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतरने आए, तो वहीं दूसरी ओर खर्रा परिवार जिसकी दूसरी पीढ़ी यानी कि झाबड़ सिंह खर्रा चुनावी मैदान में है। इस सीट के इतिहास के बारे में बताएं तो बार दीपेंद्र सिंह शेखावत और हरपाल सिंह खर्रा जीते। हरपाल सिंह ने 1967 में पहली जीत हासिल की। इसके बाद वे 1977, 1985, 1990 और 2003 में हरपाल जीते। 1980 में दीपेंद्र सिंह शेखावत की पहली जीत हुई। दीपेंद्र 1993, 1998, 2008 और 2018 में भी जीते। श्री माधोपुर की सीट जाट और यादव बहुल रही है, तो वहीं राजपूत और महाजन समाज की भी बड़ी आबादी है। इस सीट पर लंबे वक्त से जाट बनाम राजपूत की सियासी वर्चस्व की जंग होती आई है। बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले दीपेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। ऐसे में उनके बेटे बालेंदु सिंह शेखावत को कांग्रेस टिकट दे सकती है। उधर बीजेपी की तरफ से झाबड़ सिंह खर्रा एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगर कांग्रेस इस बार दीपेंद्र सिंह शेखावत के बेटे को टिकट देती है तो शेखावत और खर्रा दोनों ही परिवारों की दूसरी पीढ़ी इस चुनाव में आमने सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।